जय कृष्ण काली माँ की जय। चलिए देखते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और ये दुश्मन जो है वो आपसे क्यों दुश्मनी कर रहा है, क्या चाहता है। इस वक्त आपका दुश्मन कौन है? ये जो भी दुश्मन है ये पाइसीस हो सकते हैं और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो ये आपके दुश्मन क्यों हैं? आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आपके दुश्मन बन चुके हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड आया है। ये आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ना आए, ना ही इमोशनली आए, ऐसा चाहते हैं। ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड भी आया है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांगली हुई थी। हो सकता है इस पर्सन ने आपको इंसल्ट किया था, आपने ऐसा कुछ किया था, तो ये आपसे बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी ये पर्सन फील करते हैं, इस वजह से ये पर्सन बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी भी है जो आपके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनरशिप में या लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कर रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपका इस वक्त बहुत बड़ा दुश्मन है। ये कोई पॉपुलर पर्सन भी हो सकते हैं या लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। बाहर से बहुत खुद को खुश दिखाते हैं, ऐसे पर्सन है। और ये आपसे दुश्मनी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको खुश देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हो और ये वो आपकी जो पॉजिटिविटी है उन्हें सहन नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, वो चीज़ भी ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है कि ये पर्सन आपको अपना कंपटीशन फील करते हैं और आपके बीच में जो भी क्वारल्स लड़ाई हुई थी उस बारे में ये पर्सन सोचते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी टेंशन हुई थी उसके वजह से दुश्मनी हुई है।